एक्सेल शीट पे आपके सामने दो कॉलम्स में दो अलग अलग टाइमिंग दिए हुए हैं, एक है स्टार्ट टाइम और दूसरा है एंड टाइम, और आपको निकालना है कि इम्प्लॉय ने कितना घंटा काम किया है। तो आप बहुत सिंपल सा फॉर्मूला यूज करोगे, इक्वल्स ब्रैकेट ओपन करना है, पहले एंड टाइम या डिपार्चर टाइम जो भी है उस सेल का एड्रेस देना है, माइनस स्टार्ट टाइम या अराइवल टाइम जो भी हो वो आपको उस सेल का एड्रेस दे देना है, ब्रैकेट बंद करना है और मल्टीप्लाई करना है 24 से। ऐसा करने के बाद आपको यहाँ से देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी जनरल फॉर्मेट सेट करोगे तो डेसिमल प्लेसेस के बाद थोड़ा ज़्यादा डिजिट आएगा, अगर आप नंबर सेलेक्ट कर लेते हो तो देखो ये परफेक्ट आ रहा है। उसके बाद यहाँ से आपको फॉर्मूला को फिल हैंडल की मदद से नीचे की तरफ ड्रैग कर लेना है, आपका आवर्स वर्क जो है वो निकल गया।